वैसे हम लोग सारे भाई बहन है ये आज वी हॉट एंड वी आर हॉट अबे फोकट का क्या फोकट का ट्रिक मिला हम लोग को ये बाय हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप लोग मैं हूँ नीतीश कुमार और आप देख रहे हो मेरा चैनल जिसका नाम है नीतीश एंड क्विजिन। तो आप लोगों से बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे। और अभी जो टाइम है वो न्यू ईयर और क्रिसमस का टाइम है जैसे में हम लोग चाहते हैं कि कहीं शाम को घूमने के लिए जाए, कहीं दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसी बहुत ही अच्छी सी जगह बताने जा रहा हूँ जो कि इस न्यू ईयर और क्रिसमस के लिए बहुत ही अच्छी है। तो मैं भी अपने दोस्तों साथ जा रहा हूं और वहां हम लोग खूब सारी मस्ती करेंगे, खूब हंसी मजाक होगा। तो प्लीज मैं स्टार्टिंग में ही बोल दे रहा हूं कि आप प्लीज कोई भी बात को सीरियसली मत लीजिएगा, क्योंकि जब हम लोग दोस्त मिलते हैं तो खूब हंसी मजाक होती है और हम लोग एक ऐसे मूड में होते हैं जिसमें कि हम लोग बेफिक्र होकर कुछ भी बात करते हैं। तो प्लीज आप इस वीडियो में जितने भी हंसी मजाक और जो भी गपशप होंगे उसको मस्ती में ही लीजिए और इंजॉय कीजिए। और ये प्लेस लालपुर में है और बहुत ही खूबसूरत सा प्लेस है, बहुत ही अच्छे से डेकोरेट किया गया है इस प्लेस को स्पेशली फॉर न्यू ईयर और क्रिसमस। तो चलिए मेरे साथ और इंजॉय कीजिए इस प्लेस को। तो ये है रांची का लालपुर चौक जिसको कि हर एक कोई जानते हैं और ये काफ़ी फेमस है। और हम जहाँ जाने वाले हैं वो रेस्टोरेंट भी यही है। और ये जो सामने देख रहे हैं ये है मॉल डेकोर जिसमें कि क्रेप कैफे, द क्रेप कैफे है जहाँ हम लोग आज जाने वाले हैं। और ये बहुत ही अच्छा है, आप रोड से ही इसको देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं इसके अंदर। ओके गाइस, तो हम लोग मॉल डेकोर आ चुके हैं और हम लोग लिफ्ट के सामने वेट कर रहे हैं। तो और लिफ्ट आ नहीं रही है। जो लिफ्ट आ नहीं रही है, क्यों नहीं आ रही है मुझे नहीं पता, मुझे तो कोई सिग्नल दिखे ड्राइवर वाले को। पर अब दो खूबसूरत सी हॉट सी लड़कियां आ चुकी हैं तो डेफिनेटली अब लिफ्ट भी जल्दी से खुल जाएगा। कम चांसेस लग रहे थे। वैसे हम लोग सारे भाई बहन है ये आज भी हॉट एंड वी आर हॉट। मैं सबसे बड़ी हूँ और ये मेरे से छोटी है। एक्चुअली मैं सबसे छोटी हूँ। अब मैं भी तू सबसे छोटा है ना। सॉरी मेरा फोन आया। ओह माय गॉड, आई एम वेरी बैड सिंगर बट आई सिंग ऑलवेज। और सबसे बढ़िया नो 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 सी इज एक्चुअली वेरी गुड सिंगर। ये बहुत अच्छा बहुत अच्छा गाती है। और तुम छोटी प्लीज यार, हम लोग दोनों सेम है ये। तो लोग आ चुके हैं द क्रेप कैफे जो कि मॉल डेकोर के थर्ड फ्लोर में है। और यहाँ पे देख सकते हो आप कितने लोग वेलकम करने के लिए खड़े हैं हमारे। और ये काफी डेकोरेटिव लग रहा है स्पेशली फॉर क्रिसमस एंड न्यू ईयर। ओ सॉरी। तो जैसे ही आप इसके अंदर एंटर करोगे आपको क्रिसमस और न्यू ईयर का बहुत ही अच्छा सा डेकोरेशन मिलेगा जो कि बहुत ही लाजवाब है। पूरा जो रेस्टोरेंट है बाहर की जो ठंड है वह भूल जाओगे। आप देख रहे हो कितना अच्छा चरनी, सैंटा क्लॉज, एवरीथिंग, लाइटिंग से लेके डेकोरेशन से लेके वॉलपेपर से लेके एवरीथिंग कितना अच्छा, कितना खूबसूरत है। और मुझे स्पेशली यहाँ का डेकोरेशन बहुत अच्छा लगा। द क्रेप कैफे वाकई बहुत ही अच्छा है, खास करके अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया था रोड से दिखता है ये। जाहिर सी बात है अगर आप यहाँ बैठोगे तो आपको रोड भी दिखाई देगा, पूरा लालपुर चौक का आप नज़ारा बैठे बैठे यहाँ से ले सकते हो। तो ये बहुत ही खास बात है यहाँ की। साथ ही अगर यहाँ के खाने की बात करें, यहाँ के टेस्ट की बात करें तो वो तो अब हमें खा के ही पता चलेगा, पर देखने से लग रहा है कि यहाँ की सारे डिशेस बहुत ही डिलीशियस होती हैं। और यहाँ का जो किचन है, ये किचन एरिया है जो कि फ्रंट में ही है और बहुत ही लाजवाब डिशेस यहाँ पे। कुछ डिशेस सामने हमारी थी जो कि जिनमें से हम कुछ डिशेस ऑर्डर भी करेंगे। आप देख सकते हो कितनी टेस्टी और कितनी लाजवाब यहाँ पे बहुत यमी यमी डिशेस हैं। तो अब हम लोग अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं तो हम लोग फटाफट से अब बैठने जा रहे हैं और कुछ यमी और कुछ डिलीशियस डिश यहाँ का ऑर्डर करते हैं। हे छोटी, तुमने क्या ऑर्डर किया है? वॉफल्स, ऑल टाइम फेवरेट वॉफल्स। मैंने रांची के बाहर सब कुछ खाया लेकिन आज देखते हैं रांची में कैसे मुझे मिलते हैं वॉफल्स। ओके, आई एम सो एक्साइटेड। हे, आप क्या ऑर्डर कर रही हो? आई एम कंफ्यूज्ड बट या बट नाउ आई एम थिंकिंग दैट आई एम गोना ऑफर। आप हिंदी में भी बात कर सकती है, मेरे जो व्यूअर्स है वो हिंदी ज्यादा समझते हैं और मुझे ट्रॉल करते हैं बहुत ज्यादा। हाँ
अरे मेरे प्रोनाउंसिएशन आप कुछ कहना चाहती हैं? भाई हम तो हिंदी को बहुत सपोर्ट करते हैं और हमें हिंदी बोलने का शौक नहीं है। हाँ ये मेरे मुंह से निकल जाता है। ये लोग ना बहुत इंग्लिश मारती हैं। आदत ही है। गाइस ऐसी वाहियात हरकतों के लिए मैं आपको क्या बोलूं? हाँ तो हम लोग आ चुके हैं। एक्चुअली से नाम क्या है? क्रिप कैफे। क्रिप कैफे बहुत खराब है। बहुत सारे चीजों को मैं बहुत उल्टा पुल्टा प्रोनाउंस करता हूँ, तो गाइस सॉरी फॉर दिस। और अभी हम लोग आ चुके हैं और अभी हम लोग कुछ खाना ऑर्डर करने वाले हैं। यहाँ का टेस्ट आप लोगों को बताएंगे कि क्या क्या यहाँ पे स्पेशल डिशेस अवेलेबल है। हाँ तो हम लोग अभी हम लोग तीन डिशेस ऑर्डर करने वाले हैं, ठीक है, अपने अपने पसंद का। ओके सो अभी हम लोग डिसाइड करते हैं, तो जल्दी करो, मेरे पास टाइम नहीं है। ओके 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 सो ये दोनों लग गए डिसाइड करने में कि होगा क्या, होगा क्या, होगा क्या। दोनों के चेहरे पे परेशानी दिख रही है, टेंशन। ये हम लोग को कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक मिला है मुफ्त का। अरे नहीं यार, तो पता नहीं क्या है। अबे फोकट का क्या हो, फोकट का ड्रिंक मिला हम लोग को। बोलो मेरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर बोथ, सेम टू यू। ये फोकट में मिला है सर, इसलिए बहुत बेकार लग रहा है। और ये लोगों लड़ाई शुरू हो और मैं परास्त हो गई। परास्त नहीं होता है, क्या होता है? अरे परास्त ही होता है। परास्त नहीं होता है, होता है। मैं हार गई। हाँ। मेरी हार हो गई अपनी बहन से, कोई बड़ी बात नहीं, हमेशा होती है। मेरी हार हमेशा होती है, मैंने नहीं किया, सॉरी। आप क्या बना रहे हैं? ओके ये चीज है, और ये बनाना कैरेमल पनीर। ओह माय गॉड, फीलिंग लगता है। यस मैम, क्या बहुत अच्छा। हाँ थैंक यू, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या बात है, ये है बनाना कैरेमल पैनकेक। वाह थैंक यू, बहुत अच्छा है, वेरी नाइस। थैंक यू, ओह दैट्स सो स्वीट। छोटू सा चम्मच ले जा। अरे चम्मच मेरे को भी चाहिए। मेरे को भी चम्मच चाहिए। गॉड इट्स टू गुड। अभी खा के आप लोगों को बताते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है, एक एक करके। हम लोग तीन डिफरेंट डिशेस ऑर्डर किए हैं, एक दूसरे के अलग अलग डिफरेंट टेस्ट करेंगे। दिस इज नॉट डेजर्ट, दिस इज डेजर्ट। दिस इज नॉट, दैट इज नॉट। तो पहला इसका टेस्ट करा, मैं बड़ी बहन को लेना पड़ता है। अरे एक मिनट में रे शट आवर नो आई कैन। अब हम ट्राई कर रहे हैं मेरा कैसा है। वाओ सीरियसली वाओ, मेरा 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 बनाना पैनकेक। वाओ हम एक और खाएंगे। यम, अगर नहीं लिए एक और, इसके बाद एक और, वेट वेट पे एक और बना एक और वेट। भैया आप एक बार नाम बता दो ना, क्या क्या है, मैं तो भूल गया। स्पाइडर 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 और ये तो कैरेमल बनाना।
और ये क्या है? ये क्लासिक वेजिटेरियन क्रेप। अच्छा हम ट्राई करें? श्योर श्योर करना। आप ही के पैसे का है। हमें बढ़िया दीदी तुम्हारे तो। यार तुम लोग ना बेशर्म पे अपना खाने पे ध्यान दो, मेरा मत करो। खाओ तो प्रॉपरली खाओ, अच्छे से। तुम तो ये बहुत अच्छा है। खाने दोगे तुम लोग तब तो? अरे प्रॉपरली जिस टाइम की मिंग करके नहीं। आप जब हम खाते हैं तो कोई मैनर हम शो नहीं करते हैं, ठीक है? काफी तो कम है। तो ऑलमोस्ट हम लोगों ने खाना अपना कंप्लीट कर लिया है, तो सबसे पहले अनुराधा से पूछते हैं कि उन्हें उनका डिश कैसा लगा, कैसा था? हाउ वाज इट? वाज जस्ट ऑसम, मतलब डिलीशियस, मार्वेलस, आई कांट टेल यू। एंड मैं सोच रही हूं मैं दोबारा इसे ऑर्डर करूं, बट स्टिल आई जस्ट लव द फूड। एंड छोटी छोटी तो तुम्हारा डिश कैसा था, पसंद आया? तो मैंने जो खाया कैरमल पैनकेक, वो भी बहुत ही अच्छा था, बनाना था इसमें, और इट वॉज वेरी नाइस। छोटी हंसने का नहीं, सच में अच्छा था गाइस। आप आओ तो ये ड्रेस जरूर ट्राई करना। एंड अब हम लोग लालपुर में जो भी आप यहाँ आना चाहते हो यहाँ पे आओ, चेकआउट करो, एम्बियंस इज वेरी फन। एंड अभी तो क्रिसमस का मौका है तो इतना अच्छा डेकोरेशन है, एवरीथिंग इज सो गुड, सर्विसेज आर सो गुड। हां जी, ऑर्डर समथिंग मोर? नहीं सर। सो हम लोग अभी क्रेप कैफे आए हुए हैं जो कि लालपुर में सिचुएटेड है, और ये जो उनकी ओनर मिस सुताबा है। तो हम लोगों ने यहाँ पे कुछ डिशेज ट्राई किया, विच वॉज वेरी ऑसम। सो आई वुड जस्ट लाइक टू नो कि ये जो दिस प्लेस ये है, यहाँ पे किस टाइप के कस्टमर्स जनरली आते हैं? Basically, Crepe Cafe is a French cuisine restaurant. French? Yes. And we are very specialized on crepes, waffles, pancakes, you can find varieties of salads. And we have newly introduced a different twist in the pasta, which is very much different from the normal pasta that you find in other restaurants. And our customers, we have a different class of customers. And people who want to explore, who love to try new dishes every day, jinko experiment karna acha lagta hai khane ke sath, wo har din hame naye customers milte hain, jo ek baar try karte hain wo hamare regular customer ban jaate hain। So we saw that aap logon ne bahut hi acha decoration kiya for new year and Christmas, so it's very awesome and very nice। Thank you। And jo bhi dishes the wo bhi bahut acha tha। आप लोगों ने क्या ट्राई किया? हम लोगों ने पैनकेक खाया और कुछ और क्या था, सैंडविचेस खाए, तो दैट वाज वेरी नाइस। दैट्स ग्रेट। एंड द लोकेशन इज वेरी नाइस। वी आर लोकेटेड इन द प्राइम प्लेस इन रांची। लालपुर शॉप इज अ प्राइम लोकेशन। सो वी आर जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड नया साल कुछ पॉजिटिविटी लेके आएगा। एंड आप लोगों ने ये स्टार्ट कब किया? सी विद द सॉफ्ट ओपनिंग ऑन 29th ऑफ जुलाई। एंड इवेंचुअली चूंकि कोरोना एंड कोविड के कारण बहुत सारे गाइडलाइंस फॉलो करने थे, एंड वी आर स्टिल फॉलोइंग द गाइडलाइंस। हाउएवर इन सेप्टेम्बर जबकि देयर वाज अ रेज इन द गाइडलाइंस दैट वी कैन स्टार्ट डाइनिंग, दैट्स अ टाइम हमने डाइनिंग शुरू किया। सो बेसिकली सेप्टेम्बर 1st से हमने डाइनिंग शुरू किया। सो ऑल द बेस्ट मैम, आपने बहुत ही अच्छा था, बहुत सर्विस बहुत अच्छी थी, लोकेशन बहुत अच्छा था, इंटीरियर बहुत अच्छा है, एवरीथिंग इज परफेक्ट। एंड आई विल ऑल्सो सजेस्ट मेरे व्यूअर्स को कि आप प्लीज यहाँ पे आओ और विजिट करो, दिस प्लेस इज ऑसम। एंड फॉर न्यू ईयर क्रिसमस ये बहुत ही अच्छा प्लेस है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ पे अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो। सो थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।